हाय फ्रेंड्स, हम बनाने वाले इस प्रकार का डोरमैट जो कि ये कंप्लीट होने के बाद कुछ सर्कल शेप में दिखाई देता है। और देखिए कितनी खूबसूरत सी इसके फ्लावर है और ब्लैक कलर की बॉर्डर दी है इसमें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 1 इंच कपड़े की पट्टी यहाँ पर मैंने निकाली है और कुछ सिंपल से दो नॉट बांध के यहाँ पर कुछ इस तरह से फिक्स कर लेना है। लेकिन आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एंड शेयर करना भी ना भूलिएगा। तो कुछ इस तरह से हम जो स्टार्टिंग के नॉट्स लगाते हैं बस कुछ उसी तरह से हमें इसे लगाना है। तो आप 25 नॉट्स या 28 या 30 नॉट्स भी लगा सकते हो। 3 नॉट्स से आपको इसे बढ़ाना है, लेकिन 25 का भी आप बनाओगे तो ये बन के बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आगे जाके इसमें नॉट और भी बढ़ जाते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से हम दूसरी स्टिक लेते हुए अंदर की तरफ डालते हुए धागे को लपेटते हुए और उसे पीछे की तरफ खींचते हुए लेके जाएंगे। ये जो बेसिक से नॉट्स होते हैं हमारे, बस उसी तरह से हमें पूरे पायदान की बुनाई करनी है। तो कुछ इस तरह से देखिए मैंने एक नॉट लगा लिया ब्लैक कलर का और कुछ अलग कलर का धागा यहाँ पर मैंने लिया और कुछ उसे इस तरह से ज्वाइन कर लिया जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। अब हमें इसी धागे से आगे की बुनाई करनी है। और ये जो ब्लैक कलर का धागा देख रहा है वो सिर्फ बॉर्डर में ही हमें यूज करना है, इसीलिए मैंने एक ब्लैक कलर का आगे की तरफ रखा नॉट और बाकी के नॉट अब हम कन्वर्ट कर ले रहे हैं कुछ अलग कलर के धागे से। तो है ना ये कितना सिंपल इसे बनाना। तो वीडियो पूरा देखिए एंड तक ताकि आपको डिटेल्स में से समझ में आ जाए। ये देखिए मैंने यहाँ तक बुन लिया। अब फिर से हम स्टिक को घुमाते हुए ऊपर की तरफ बुनाई करते हुए चले जाएंगे। जिस कलर का नॉट उसी कलर से हम बुनते हुए चले जाएंगे। देखिए मैं ऊपर की तरफ यहाँ पर यहाँ तक बुन लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैं यहाँ तक आई और अब हम जो ब्लैक कलर का धागा है वो आगे की तरफ ले लेंगे। देखिए कुछ इस तरह से दोनों स्टिक में से आगे की तरफ निकाल लेना और ब्लैक कलर का नॉट हमने ब्लैक कलर से बनाना है। और कुछ इस तरह से आपने दिखा है कुछ इस तरह से हमें नीचे धागा भी फिक्स करना है ताकि ये छूटे ना या डिफरेंट दोनों अलग अलग ना दिखे। तो ये देखिए ऐसे हमारी स्टार्टिंग लाइन बनके रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए मैंने आपको ज़्यादा समझ में आए इसलिए ये दोनों कलियाँ बना के रखी है और आगे मैं आपको समझाने वाली थी कैसे बनानी। तो ये देखिए ये ऊपर की तरफ गई थी कली, तो कुछ इसी तरह से पीछे से लेंगे हम लपेटते हुए नॉट को और आगे से लेंगे ताकि एक नॉट में हमें दो नॉट मिले। देखिए दो नॉट यहाँ पर बन के रेडी हो चुके हैं ब्लैक कलर के, और उस धागे को भी हम आगे की तरफ करते हुए नॉट जैसे कि वैसे लगा लेंगे। इसे कहते हैं ब्लैक कलर के धागे को पीछे की तरफ से लिया था तो हमारा नॉट वहाँ पर बढ़ गया था। ये देखिए कुछ इस तरह से हमें और जो 3 नॉट्स भी छोड़ने हैं नीचे से जो कि सर्कल डोरमैट का रूल होता है। तो देखिए कुछ इस तरह से ऊपर लाइन जाते हुए आपको इसमें दिखाई दे रही है आधे पेटल्स में, तो कुछ वही है जो कि नीचे से हमें 3 नॉट्स छोड़ने हैं। तो यही तक मैं बुनूंगी और यही से ये देखो यहाँ तक बुना, यही से धागे को पलटते हुए हम ऊपर की तरफ बुनेंगे। ये जो सर्कल डोरमैट में बुनते हैं सेम उसी तरह से यहाँ पर हमें बुनना है, हर बारी नीचे से ऊपर जाते समय 3 नॉट्स छोड़ने हैं। तो ये देखिए ये दो ब्लैक कलर के नॉट थे उसे अब हमें एक कलर का नॉट मतलब एक ही ब्लैक कलर का रखना है और एक जो है हम जो पिंक कलर का धागा दिखाए उसमें कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखिए कुछ एक कलर का ब्लैक धागे से ही बुनते हुए चले जाएंगे। तो है ना सिंपल। देखिए फिर से अब हम यहाँ तक बुनेंगे, फिर से एक ब्लैक कलर के धागे को ऐड करते हुए और नीचे से 3 नॉट्स लगाते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे। तो कुछ इस तरह से हमारी कली बनके रेडी हो जाएगी। तो क्या किया मैंने, एक नॉट बढ़ाया सिंपल है आगे की तरफ और ये नीचे से 3 नॉट छोड़ते हुए हम ऊपर की तरफ बुनते हुए चले गया और पीछे से एक ब्लैक कलर के नॉट को हमने पिंक में कन्वर्ट कर लिया। अब हम देखेंगे कुछ इस तरह का जो गैप दिखाई दे रहा था आपको, तो नीचे की तरफ आते हुए और ये भी लाइन नीचे की तरफ जैसी गई है वैसे अब हमें इसकी बुनाई नीचे की तरफ करनी थी। देखिए तो स्टार्टिंग के 2 नॉट से उसे हमें एक बना देना है। पहले हमने क्या किया था, स्टार्टिंग के एक नॉट को 2 में बनाया था यानी कि 2 नॉट बनाए थे, अब उसका अपोजिट करना है, 2 नॉट को 1 बनाना है और इसको नीचे की तरफ बुनते हुए हम चले जाएंगे। तो ये देखिए जो पहला गैप हमें दिखाई दे रहा था
वहां तक मैंने इसे बुन लिया और इसको भी यही से पलटते हुए हम ऊपर की तरफ बुनते हुए चले जाएंगे। तो कुछ हमें वैसा ही करना है जैसे हमने स्टार्टिंग में 3-3 नॉट छोड़ते हुए ऊपर की तरफ बुने थे, अब वही 3-3 नॉट लेते हुए हमें नीचे की तरफ जाना है। और जैसे कि पीछे हमने एक जो ब्लैक नॉट था उसे कन्वर्ट किया था पिंक में, अब ये पिंक वाला नॉट हम क्या करेंगे, ब्लैक में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए जिस तरह से ब्लैक में, यानी कि दो नॉट ब्लैक में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो इस तरह से हमारा कुछ नीचे की तरफ परी बन के रेडी हो जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ तक अब मैं बुन लूंगी, जो दो नॉट है उसे एक बना दूंगी और आगे के नॉट जैसे तैसे बुन लूंगी। हर बारी हमें 3-3 नॉट लेते हुए नीचे की तरफ आना है। तो कुछ हमारा इस तरह की कली बन के रेडी हो जाएगी। और अब हम कुछ इस तरह की जो स्टार्टिंग में ब्लैक और ये नॉट बनाई थी सेम उसी तरह से क्रिएट करेंगे। तो ये इसे हम बुनेंगे तो कुछ इस तरह से हमारी बॉर्डर बन के रेडी हो जाएगी। तो है ना बहुत ही सिंपल इसे बनाना। अगर आपने बेसिक सा सर्कल डोर मैट नहीं देखा तो पहले वो जाके देखिए। अगर आपको ये कली पहले भी मैंने बहुत डिटेल्स में इसको बनाया है, ये थोड़ा फास्ट हुआ होगा तो डिटेल्स में जाके वीडियो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसकी लिंक दूंगी, ताकि आपको ये जो डोर मैट है वो और भी ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाए। वैसे तो मैंने बहुत अच्छी तरह से समझा है लेकिन आपको समझ में नहीं आया तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो देखिए ये बनके बिल्कुल ही रेडी हो चुका है और इसे कंप्लीट करने के बाद ये सर्कल डोर मैट का शेप लेगा और बहुत ही सुंदर दिखाई देगा।